का काम करते हैं, तो मेजरली आप ऐसी प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं कि आपके क्लाइंट्स की प्रॉपर्टीज तुरंत किराए पर चढ़ जाती हैं? प्रकाश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस विषय में कुछ प्रकाश डालूं। आपका नाम भी प्रकाश है। प्रकाश जी, बेसिकली कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज में कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर वो सरकारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो सीधे उसमें लोकेशन पे हम फोकस करते हैं कि किस लोकेशन पे वो प्रॉपर्टी आ रही है, उसके आसपास कैचमेंट क्या है, किस तरह की जनता वहाँ रहती है और उस कैचमेंट के हिसाब से कौन सी ब्रांड्स वहाँ पे आ सकती हैं। आपने देखा होगा जैसे कि हम इस समय जहाँ पे खड़े हैं, ये खरड़ की एक बहुत सक्सेसफुल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। दे हैव क्रिएटेड अ हिस्ट्री। मैं एक्स वाई जेड किसी बिल्डर को स्पेशली प्रमोट नहीं करता हूँ, बट मैंने देखा कि एक सफलता का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट हुआ। उसका रीज़न, ब्रांड्स को मालूम था कि यहाँ पे कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, कैचमेंट बहुत है, बच्चे बहुत हैं। सेकेंडली, देर वॉज़ ए वेरी बिग वैक्यूम बिटवीन हिमाचल टू एलेंटे मॉल। बीच में वी आर पंजाब आता है, बट फ्लाईओवर बनने के बाद से वी आर पंजाब में ब्रांड्स थोड़ा सा सफ़र कर रही हैं। और आजकल फैक्ट्री आउटलेट और ऑनलाइन स्टोर्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट निकल के आया है मार्केट में, तो अमायरा बिल्डर्स ने उसको कैच किया, उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की और बहुत सफलता से उन्होंने ये चीज़ की। तो हम जब भी कोई प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, अगर वो प्राइवेट बिल्डर की है तो हम बिल्डर प्रोफाइल देखते हैं, उसके बाद उस प्रॉपर्टी की लोकेशन देखते हैं। अगर वो सरकारी है तो हम सिर्फ लोकेशन देखते हैं और कैचमेंट देखते हैं। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्राइवेट बिल्डर्स के केस में, कि उस प्रोजेक्ट में प्रमोटर्स कितने हैं। अगर मान लीजिए प्रमोटर्स कई पार्टनर्स हैं, कई ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जहाँ 8-8, 10-10 लोग पार्टनरशिप में चीज़ को डेवलप करते हैं, उसमें कभी भी फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है। तो सिंगल फैमिली ऑन प्रमोटर या जहाँ पे 2 या 3 पार्टनर हैं, वो सारे प्रोजेक्ट थोड़ा सिक्योर होते हैं। ये पॉइंट्स बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। प्रोजेक्ट में अभी कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद फिर कस्टमर्स का बहुत पैसा बहुत ब्लॉक हो जाता है। सेकेंड, हम इसमें ये एक चीज़ ध्यान देते हैं कि क्या कंपनी डेट फ्री है या कंपनी किसी डिफरेंट फॉर्मेट्स में बनाई गई। जैसे फॉर एग्जांपल, आजकल SPVs बना रहे हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल बोलते हैं, वो एक कंपनी फॉर्म की जाती है, कंपनी फॉर्म करके उस कंपनी के तहत उसको रजिस्टर्ड करा के प्रोजेक्ट को वही कंपनी प्रमोट करती है, लेकिन उसमें स्टार्टिंग से ही इंटेंट ख़राब होते हैं। पहला इंटेंट तो यही ख़राब है कि टैक्सेशन को इवेट करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं, अदरवाइज़ आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी पर ही काम करें। सेकेंड, एक इसमें इशू आता है कि कई बार वो SPV जो उसका प्रोजेक्ट का जो फॉर्मेट है उसी को फ्लॉप कर देते हैं और हजारों लोगों के पैसे लेकर के अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। कंपनी खुद NCLT में अपने ही किसी बंदे के थ्रू जाके केस फाइल करवा देती है। ऐसे केस में आम जनता का पैसा फंस जाता है, बैंकों का पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो ये चीज़ें लीगल चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं। थर्ड, हम प्रमोटर्स के केस में, प्राइवेट प्रमोटर्स के केस में उनके अप्रूवल्स पे बहुत ध्यान देते हैं। कई बार क्या होता है, उन्होंने 25% लैंड ली, रजिस्टर्ड कराई और रेरा में उनको नंबर मिल जाता है, रेरा में ये प्रावधान है, लेकिन वो फ्यूचर की लैंड रजिस्टर्ड करा पाएंगे कि नहीं, टाइमली किसानों से वो खरीद पाएंगे कि नहीं, या अगर सरकार से उन्होंने लिए तो उसकी टाइमली किस्तें दे पाएंगे कि नहीं, वो सब उसके बैकग्राउंड से मालूम चलता है। कुछ बिल्डर्स फाइनेंशियली इतने साउंड होते हैं कि वो प्रोजेक्ट को डेवलप करने में सेल के ऊपर नहीं डिपेंड करते। ये इस तरह के बिल्डर्स की संख्या बहुत कम होती है। हमें एक अच्छे कंसल्टेंट के तौर पर बेसिकली यही देखना होता है कि जिन लोगों के हम, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे ऊपर बॉम्बे बैठा है, कोई कोई दिल्ली बैठा है, आज मुझे बेंगलोर से फ़ोन आया, मेरे पुराने इन्वेस्टर हैं, मेरे बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं छाछरिया साहब, वो कलकत्ता में बैठे रहे और उन्होंने लुधियाना मेरे थ्रू इन्वेस्ट किया। तो जिम्मेदारी वाला काम होता है, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें देखने होते हैं। अपने एटीट्यूड और अपने एप्टीट्यूड को भी उन्होंने उस हिसाब से डेवलप किया। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े फॉर्मेट्स, फॉर एग्जांपल प्यूमा है, रेड टेप है, इनकी फ्रेंचाइजीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया, और जब बड़े फॉर्मेट्स खुल गए तो छोटे अपने आप आके बैठ जाते हैं। इन्होंने डिज़ाइनिंग पे बहुत फोकस किया, पार्किंग इन्होंने ओपन दी, चूँकि प्रोजेक्ट की लकली कनेक्टिविटी पर भी हम बहुत ध्यान देते हैं कि उसको कट कहाँ से मिल रहा है। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट लोकेटेड यहाँ है पर इसके 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद कट है, तो जो लोग जा रहे हैं वो एक बार आगे निकल गए तो कई बार उनका मूड चेंज भी हो जाता है कि चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, फिर आना है 2 दिन बाद। तो वो जो शॉपिंग आज होनी है वो आज होनी है, जो इम्पल्स क्रिएट होता है शॉपिंग का, एक वो मोमेंट्री होता है।
तो ब्रांड्स के लिए सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फोर्थ, हम अगर हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें तो हम उसकी डिज़ाइनिंग में ये भी देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो रहा है उसका फ्रंट ऑब्लिक, उसका जो बैक है उसका रेशो क्या है, डेप्थ का रेशो क्या है। मान लीजिए इसका रेशो, स्टैंडर्ड रेशो 1:3 और 1:4 तक चलता है। सपोज़ 15 फुट का फ्रंट है, 45 फुट 50 फुट की डेप्थ समझ में आती है, ब्रांड्स को भी समझ में आती है। छोटे फॉर्मेट भी होते हैं 700-800 फुट वाले, बड़े फॉर्मेट भी होते हैं 3,000-4,000 फुट वाले, वो चार दुकानें एक साथ ले लेते हैं। लेकिन अगर वो रेशो 1:7 है तो वो डिस्प्ले में बड़ी प्रॉब्लम आती है। पता चला उसका फ्रंटेज 15 फुट का है, डेप्थ 100 फुट की है, तो वो डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आती है। थर्ड, कई बार हम शोरूम्स, कई बार हम ऐसी प्रॉपर्टियाँ भी देखते हैं जो बिल्डर ऐसे ढंग से डिज़ाइन करते हैं जिसकी ओपनिंग दोनों तरफ होती है, फॉर एग्जांपल इस तरफ से भी खुला है और पीछे से भी खुला है मार्केट, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छा मार्केट में रिस्पॉन्स देती हैं। इसके अलावा प्रकाश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दुकानों का डिज़ाइन कैसे किया गया, लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर है, या ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ है। अगर जीरो लेवल से प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है तो कुछ ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा सूट करती है, जिनके जो बड़े फॉर्मेट्स हैं जिनमें ट्रकों से सामान आता है और लगभग हर हफ्ते में 2-3 बार ट्रक्स आते हैं, उनको लोडिंग अनलोडिंग में उनको डॉक हाइट ऐसी चाहिए होती है कि सपोज़ ट्रक आए और वो सीधे आकर के वहाँ लग जाए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में समय कम लगे और वेस्टेज कम हो, समय की बर्बादी कम हो, लेबर कम लगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पावर बैकअप का क्या सिस्टम है, आजकल कई ऐसे स्टोर्स होते हैं जिनमें एक मिनट के लिए भी अनकनेक्टिविटी नहीं चाहिए होती है, खासतौर से ईटरीज से रिलेटेड, तो उसके लिए बिल्डर्स ने क्या प्लानिंग रखी है। पार्किंग बहुत महत्वपूर्ण इशू है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है वो स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज़ में या हाई स्ट्रीट में है, कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस। जितना कम होगा उतना ब्रांड को सस्टेन करने में, रखने में ईजी होगा। आज ब्रांड्स मॉल से बाहर क्यों निकल रही हैं, बिकॉज ऑफ दिस कैम्प चार्जेस। कैम्प चार्जेस बहुत हैवी हैं और लगते भी हैं, प्रोमोटर्स भी मजबूर हैं। अब अगर उसको मेंटेन रखने रखेंगे तो मॉल वैसे ही फ्लॉप हो जाएगा, मेंटेन रखते हैं तो उसका खर्चा लगता है। इसलिए ये हाई स्ट्रीट की तरफ रुझान जा रहा है अब धीरे धीरे। और मेरी मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे कवर किए, चूँकि समय का अभाव है, बाकी मैं अपने राइटअप में दे दूंगा। मेरा अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों से अनुरोध है, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको ज़रूर एक किसी एक्सपर्ट का सहारा लेना चाहिए। वो एक्सपर्ट डीलर भी हो सकता है, वो एक्सपर्ट कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में कंसल्टेंसी करता हो, आपको ज़रूर उससे हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसी इंट्रिकेसीज होती हैं जो नॉर्मल आदमियों को नहीं पता होती, नॉर्मल जनता को नहीं पता होती। फिर भी आपको अगर कभी मुझसे कोई सलाह लेनी है, मुझे आप पर्सनली डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9888910151। आप मुझे कभी भी सुबह 10 बजे से पहले और शाम को बाद किसी भी समय फ़ोन करिए, मैं मौका लगा के आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आप